हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आप लोग नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे क्योंकि हमारा वेबसाइट बन चुका है। आज बहुत ही खुशी का बात है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कहां से दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न कहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और इसमें आपको लिखना है www.askclass.in। तो यहां पे लिख देते हैं www. उसके बाद यहां पे अपने YouTube चैनल का नाम लिखना है ASKCLASS, ये दोनों एक ही में होना चाहिए। उसके बाद फिर डॉट लगाना है आपको और फिर आपको IN लगाना है। तो यहां पे लिखा गया, यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया यहां पे कि www.askclass.in। यही आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा तो यहां पे लिख के आएगा यहां पे सबसे पहले ही कि यहां पे वेलकम टू आस्क क्लास। यही क्या है, हमारा वेबसाइट है और यहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो हमारे वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहां पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ, उसके बाद यहां पे देखिए लिखा हुआ है 10th ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। यहां पे देखिए अगर हमें साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहां पे साइंस पे क्लिक कर देंगे। फिर ये पूछेगा आपसे कि आपको फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है। तो अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हम यहां पे फिजिक्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पे चैप्टर का नाम पूछेगा कि आप किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहेंगे। तो यहां पे हम ऊपर वाला यानी प्रकाश का परावर्तन का पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें हम लिख चुके हैं, डाल चुके हैं, तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो अगर ये देखना है इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है शो आंसर। तो इसी पे ग्रीन जो यहां पे शो आंसर लिखा है यहीं पे आप लोग दबा दीजिएगा तो यहां पे इसका आंसर दिखा देगा यहां पे कि ऊर्जा का रूप है। जो प्रकाश ये किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। और यहां पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है, तो इसका आंसर देखना है तो फिर इस पे आप लोग दबा दीजिएगा सो आंसर पे, तो यहां पे दिखा देगा कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऐसे आप लोग यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी विषयों का पढ़ सकते हैं। यहां पे किसी किसी विषय में अभी कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं डाला गया है, तो अभी नया बना है तो हम धीरे धीरे सभी विषयों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल देंगे। और यहां से आप लोग मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर अभी हम नहीं डाले हैं, ये भी हम डाल देंगे। उसके बाद यहां पे देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है साइंस का तो यहां पे साइंस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर पूछेगा आपसे कि यहां पे फिजिक्स का पढ़ना है कि केमिस्ट्री का पढ़ना है कि बायोलॉजी का पढ़ना है, तो यहां पे हम फिजिक्स का क्लिक करते हैं। फिर ये चैप्टर पूछेगा कि किस चैप्टर से आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव प्रश्न, तो यहां पे हम प्रकाश का परावर्तन मारते हैं। तो यहां पे देखिए प्रकाश का परावर्तन से सभी जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है यहां पे हम लिख चुके हैं और किसी किसी सब्जेक्ट का यहां पे बाकी है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सभी का यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें डाल देंगे। आप लोग इससे रिविजन करते रहिएगा इस वेबसाइट से, क्योंकि रिविजन करते रहिएगा तो वो प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड का यहाँ पे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान सब्जेक्टिव का ये पीडीएफ है और ये प्रकाश का परावर्तन का पीडीएफ है। रोज एक पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, तो आप लोग पीडीएफ यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे
आपको नोट्स भी दिया जाएगा, तो यहीं से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो बस ये जो डाउनलोड का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड, इसी पे आपको क्या करना है, एक बार दबा के छोड़ देना है, तो ये आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, डाउनलोड होने लगेगा। और डाउनलोड होके ये आपका जो फाइल होता है, फाइल में जो फाइल मैनेजर होता है उसमें डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि ये पीडीएफ सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो ये 3 डॉट है, इस पे क्या करना है आपको, दबा देना है। और दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड्स लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ हम यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा दिए, ऐसे ही आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। और ये पीडीएफ अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट का लिंक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, और यहाँ पे यूट्यूब का जो ये होता है कम्युनिटी पोस्ट, उसमें डाल देंगे, वहां से आप लोग दबा के डायरेक्ट टेस्ट दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक व्हाट्सएप है, और इसमें हम यहाँ पे देखिए विज्ञान टेस्ट लिंक, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि उसी जो दिन होगा उसी दिन का आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट का जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से लेके शाम में यहाँ पे 3 बजे तक रहेगा। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम में 3 बजे तक आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, और 4 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप में, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विज्ञान टेस्ट 1 लिंक, यहाँ पे देखिए विज्ञान का जो टेस्ट 1 है इसका ये लिंक है, इस पे आपको क्या करना है कि दबा देना है। जैसे ही आप लोग दबाइएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम होगा आपको वहां पे नाम लिखना है। और याद रखना है कि आप एक ही बार टेस्ट दे सकते हैं एक मोबाइल नंबर से, एक मोबाइल से आप लोग एक ही बार टेस्ट दे सकते हैं। सोचेंगे कि फिर इसे हम दोबारा टेस्ट दें तो आप लोग नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग एक ही बार टेस्ट दीजिएगा एक बार मोबाइल नंबर आपको डाल के। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं 87 89 30 73 04, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर हम लिख देंगे जहाँ से हैं, आपको क्या करना है कि उस जगह का, अगर आप लोग अपने जिला का नाम डालना चाहते हैं तो जिला का नाम डाल दीजिए, अगर अपना गांव का नाम डालना चाहते हैं तो गांव का नाम डाल दीजिए। तो हम श्रीनगर के हैं तो यहाँ पे हम श्रीनगर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए श्रीनगर लिख देना है, जो आपका गांव है या जो आपका शहर है वो आपका, उसका नाम लिख देना है या आपका जिला का नाम लिख देना है। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि स्टार्ट ऑनलाइन टेस्ट, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अधातु है, तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन अधातु है, तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस वाले पे जो गोला है उसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करके जो सबमिट एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको दबा देना है। जैसे ही दबाइएगा यहाँ पे दूसरा टेस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे इमली पे दबा के आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न आ जाएगा। इस टेस्ट में हम यहाँ पे 5 ही प्रश्न लिए हैं, आपको यहाँ पे 20-20 प्रश्न मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे उत्तल लेंस पे, और सबमिट और नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आगे, अब यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आ जाएगा कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो लेंस के मुख्यतः 2 फोकस होते हैं,
होते हैं तो दो पे क्लिक कर देंगे और सबमिट और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे पांच नंबर देखिए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे लिख देगा आपका एग्जाम है वो ओवर हो गया। और क्लिक टू होम यहाँ पे देख सकते हैं, लिख देगा क्लिक टू होम। इसमें समझाना था इसीलिए पांच ही प्रश्न लिए हैं, नहीं तो आपको कितना कितना टेस्ट मिलेगा, 25 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट का समय क्या होगा, तो सुबह 8 बजे से लेके शाम में यहाँ पे 3 बजे के बीच में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लास्ट में नंबर देंगे, वही जो 87-89 वाला था उसी पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। और डेली सुबह 8 बजे एग्जाम का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है आपको क्या करना है, क्लिक टू होम लिखा है इसको आपको दबा देना है। और यहाँ पे फिर मेन पेज पे आप लोग आ जाइएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिएगा। या एक विधि और है, यहाँ पे देखिए जो यूट्यूब होता है, तो यहाँ पे जो यूट्यूब होता है इसको आपको क्या करना है, सर्च करना है आस्क क्लास। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं आस्क क्लास। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये है आस्क क्लास के लोगों पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कम्युनिटी पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए थे यहाँ पे लिंक हम, तो यहाँ पे देखिए हम लिंक जो दिए थे अभी तक 61 विद्यार्थियों ने यहाँ पे टेस्ट दे चुके हैं। तो ये आपको क्या करना है कि ऐसा भी लिंक मिलेगा, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़िएगा तो ऐसा भी लिंक मिलेगा, यहाँ से भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो ब्लू लिंक है इसको आपको क्या करना है, दबा देना है। जैसे ही दबाइएगा फिर यहीं पर आप लोग पहुँच जाइएगा। और फिर अगर चाहिएगा कि उसी नाम से उसी मोबाइल नंबर से फिर टेस्ट दें तो ये नहीं लेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। एक ही बार आपको टेस्ट देना है और टेस्ट किस दिन का देना है तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो जो दिन होगा यहां पे हम दिन वहां पे लिख दिए रहेंगे, आज 9 तारीख है तो 9 तारीख का टेस्ट देना है, अगर 10 तारीख है तो 10 तारीख का टेस्ट देना है आपको, तभी आपको शाम में 3 बजे टेस्ट का टाइम खत्म होगा तो 4 बजे आपका यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।